तो कैसे हो आप लोग। मैं नरेश ठाकुर, जय श्री राम, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम जा रहे हैं अभी गांव की तरफ। तो 8 बज रहे हैं सवेरे के अभी। तो ये इधर जाकर देख लो अपना उमस कितना बड़ा हुआ है। ठंडी हवाएं चल रही हैं और गांव की तरफ जा रहे हैं। इधर अभी कम है, गांव में और ज़्यादा होगा। तो अभी बड़े दिनों के बाद अभी जा रहे हैं खेत में राउंड मारने के लिए। 3 महीने जैसे हो गए हैं, हम तो नहीं जाते थे चक्कर मारने के लिए, पप्पा और मम्मी जा रहे थे। अभी हमारी बारी है दोनों भाई की। ये रहा मोटा बड़ा भाई, अरे अभी देखो और ये भी गाड़ी अभी भूखी है, इसको भी नाश्ता करवाना है कहीं पे। देखेंगे आगे नाश्ता वाला होगा तो इसको भी थोड़ा खाना बना खिला के फिर निकलेंगे। हमने तो खा लिया, अब इसकी बारी है। बाकी क्लियरिटी में आपको देखना हो तो आपको दिखा दूं, जैसे ये हालत है अभी रोड में। तो इसमें ज्यादा स्पीड में नहीं चला पाएंगे, तो इसे नॉर्मली 60 के आजू बाजू चलेंगे, वरना ये अपना राक्षस ही है, जहाँ भेजो वहाँ चला जाता है। चलो तो अभी आपको आगे हाईवे पे मिलता हूँ, इसको खाना खिलाने के बाद। ये भूखा है, थोड़ा खाना बना खा ले, बाद में मिलेंगे आगे ही। गाड़ी अपनी जा रही है 70-80 के बीच में, कभी कभी 80 चला लेते हैं। और धूप अभी अच्छी सी निकल आई है, इसलिए अभी ओस निकल गई है पूरी। अभी अच्छी तरह से व्यू आ रहा है पूरा सामने दिखने में। अभी पटाना चीरे सब क्रॉस कर गए हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा अपना बच्चाऊ, बच्चाऊ से फिर बाईपास ले लेंगे। क्रॉस करके फिर मिलते हैं। तो बच्चा और खारो क्रॉस करके अभी आ गए गांव के विस्तार में। तो ये अभी इधर जीरा है, तो इधर अभी जीरे की खेती बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत लोगों ने जीरा ही उगाया है, हमारा खुद ने भी। चारों बाजू भी जीरा ही जीरा। ये इंडा, भाई अपने वाड़ी वाले रास्ते पे आ गए। आगे जाके अभी थोड़ा दूर है बहुत, वाड़ी आएगा अपना। और ये इधर सरसों का खेत है, कई साल हमने सरसों उगाई थी, इस बार जीरा किया है। ये भाई हमारा हनुमान जी आगे आगे जा रहे हैं, हम पीछे पीछे। तो 8 बजे निकले थे हम सुबह, 8 बजे सुबह निकले थे, अभी 12 बज रहे हैं। अभी 15-20 मिनट का रास्ता है, 15-20 मिनट समथिंग समझ लो 12:30 बजे तक पहुँचाएंगे वाड़ी पे। थोड़ा
थोड़ा दूसरा काम था इसलिए लंबे रूट से निकले, वरना और जल्दी पहुंच जाते, 11 बजे पहुंच जाते। तो ये भाई अपना जीरा है, कुछ ऐसा है साइड, ये उगाया था पहले और ये बाद में का है, इसको लेट थोड़ा उगाया था, इतना कट रखा था इसमें गैप, इसको भी 2-4 दिन में इसको निकालने का है, ये पूरा उधर तक है, ये 2-4 दिन में इसको निकालना है, ये बाद में उगाया था, इसमें टाइम लगेगा, ये अभी सूखा नहीं है, थोड़ा उधर है सूखा हुआ, उसको भी टाइम लगेगा, इसको लगभग 15-20 दिन निकल जाएंगे इसको निकालने में, ये तो अभी 10 दिन के अंदर ही निकल जाएगा। और दूसरी जगह पे है, उस साइड भी है, बाउंड्री के बाहर दूसरी जगह है, अपना वाड़ी का बाहर का बाग है वो भी है, उसमें जीरा और ये है, ये बाउंड्री का उस साइड अभी दिखाता हूँ आपको। तो इसमें भी जीरा हो गया था दूसरी बाग है, तो इसमें तो अभी बीमारी आई थी तो थोड़ा कम हो गया है, देखेंगे इसमें कितना होगा, ये तो अंदाजा ही है कुछ होगा या नहीं होगा, ऐसा तो भी होगा अच्छा ही होगा, बाकी ये अपना हिस्सा अच्छा है पूरा, ये गैप रखा था क्योंकि काम में दिक्कत ना रहे अपना, ये थोड़ा थोड़ा जैसे एक साथ उगाते हैं तो पूरे में काम करने का दिक्कत रहता है, पानी पिलाने में सब जगह पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है आधे आधे आप में, ये अभी ये हिस्सा पानी पी गया है, ये रख दिया अभी, फिर ये हिस्सा है, इसमें तो अभी पानी बंद कर दिया है, और वो वाला हिस्सा है तो उसमें भी लगभग पानी बंद कर दिया है आपसे, पीछे बाउंड्री के उस साइड, और अपना दूसरा और हिस्सा रहेगा, और रहेगा ये वाड़ा अपना देख रहे बाउंड्री, ये बाउंड्री के पीछे की साइड है, वो भी दिखाता हूँ। तो भाई अपना ये मोटर का पानी चल रहा है दोनों पाइप पे, यही साइड चल रही है, सामने तालाब बना हुआ है, तालाब के अंदर पानी भरा है, दो मोटर रखते हैं अंदर चालू, और ये दो पाइप उसमें से कनेक्शन है। ये पूरे ऐसे पत्थर वाली ज़मीन है इसलिए पानी बहुत लीक होता है, ये पानी सब तालाब में से लीक होके आ रहा है, ये पूरे ऐसे ही पत्थर है सब जगह पे। तो ये पाइप चल रही है, इसमें ये तालाब की पार के ऊपर खड़ा हूँ मैं, ये पानी भरा हुआ है पूरा तालाब में, तो एक मोटर का पानी इस साइड चल रहा है वो अभी आपको दिखाता हूँ पहले, और ये मोटर दूसरी है इसका पानी इधर लगता है, और ये लड़का वाल बंद कर रहा है अभी, तो ये पानी दूसरा मोटर का चल रहा है इधर, वो इधर से आ रहा है ऊपर मोटर है बावर के पीछे, तो इधर से पानी आ रहा है ये रहा। तो ये भाई अपनी मोटर लगी हुई है वाड़ी की, तो इधर पहाड़ों पे पानी अच्छा है इसलिए ऊपर लगी है, दूसरा ये पानी जा रहा है इसका, तो ये पानी का प्रेशर है कुछ, तो अभी जो तालाब में दिखाया था पानी इधर से ही जा रहा है, नहाने के लिए अच्छा है अभी तो, फिर बाद में नहाएंगे आराम से, बाकी आपको दिखा दूँ, जैसे इधर से पानी का रास्ता है, ये पूरा पानी इधर से फैलते हुए जा रहा है अपने तालाब पे, जो भी तालाब दिखाया था वो इस बड़े बावर के बाजू में है। तो दोनों भाई आए थे चक्कर मारने के लिए, चल के आए थे, इधर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है अपनी वाड़ी, लगभग 1 किलोमीटर दूर वाड़ी है, इधर बोर है, मोटर अपना इधर चालू है,
नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही